डेवलप अ कनेक्शन विद द इंटरव्यूअर कि आपको उसके साथ एक इतनी पॉजिटिव वाइब क्रिएट करनी हो। अब देखें हमने इतनी बात नहीं की पर मैं समझता हूं कि मेरा और आपका एक कनेक्शन एक बॉन्ड बन गया है। क्यों पता है क्यों? क्योंकि ना आपने कुछ वर्ड्स कहे पर से मैंने कहा और आपने सुना, पर आपने जो मुझे जेस्टर्स दिए ना, आपने जो मुझे फील दिए, वो मुझे लग रहा है यार कि मेरी मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई। क्यों? मुझे लगता है कि मैंने आपको कन्विंस कर दिया कि आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। मुझे लग रहा है मैंने आपको कन्विंस कर दिया है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। यू जस्ट हैव टू बिल्ड द कनेक्शन एंड यू हैव टू डेवलप अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। रिसर्च द कंपनी एंड शो व्हाट। आसान तरीन सवाल और सबसे आम तौर पे पूछे जाने वाला सवाल, डू यू नो अबाउट आवर कंपनी? और मैं आपको बताऊं, इतने मैंने फेसेस देखे हैं, लोग पढ़ते ही नहीं है किस कंपनी के बारे में, लोग रिसर्च ही नहीं करते। इवन यहां मैंने इंटरव्यूज कंडक्ट किए, जहां भी किए, लोग पढ़ते ही नहीं। क्यों भाई? दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आप जहां जा रहे हो वो एक्चुअली कंपनी है क्या, वो उससे रिलेटेड आपसे सवाल कर सकते हैं। और हमेशा एक बात आप लोगों के साथ हुई होगी, जब आपको किसी चीज की कॉल आती है, चाहे वो इंटरव्यू की हो या कहीं परफॉर्म पे हो, आपकी लाइफ का कोई बड़ा मोमेंट, आप उसको अपने माइंड में इमेजिन करते हैं और प्रॉपरली आप उस सीन को अपने माइंड में रखते हैं और इमेजिन करते हैं कि आप उस रूम में किस तरह एंटर होंगे, सामने कौन लोग होंगे। ऐसा होता है हमेशा। क्यों? आपकी इमेजिनरी पावर अल्लाह ताला ने इंसान को दिया ना, तसव्वुर करता है, वो तसव्वुर करता है और फिर उस पर तदब्बुर करता है, सोचता है कि यार ये अगर इस तरह है, फॉर सपोज मुझसे ये सवाल हुआ तो मैं ये जवाब दूंगा। कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, एक चोटी सर करने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, एक गाड़ी चलाने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, किसी बंदे को फेस करने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस की आपके पास है, यू कैन अनलॉक एवरी डोर इन दिस वर्ल्ड। आप आज मुझे नहीं कन्विंस कर सके, आप कल को अपनी पूरी टीम को कैसे कन्विंस करेंगे जो आपके अंडर काम करेंगे? तो वो 2-3 साल बाद का सोचेगा, आप भी ये करेंगे, आपको जब जॉब मिलेगी ना, फिर सवाल भी ऐसे ही होंगे। बात याद रखिएगा, जैसे ही वक्त आता है ना, इंसान को जवाब देना पड़ता है जब लोगों को, तब मुश्किल होती है यार। कैसे? और हम ज्यादातर इंटरव्यू से बाहर आने के बाद, जब परफॉर्मेंस अच्छी हुई है या नहीं, हम सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करते हैं, ठीक हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? ताकि हम इतने ऑटो हो जाए घर जाने तक कि हम घर पे बोल सके यार अच्छा हुआ है, अब देखते हैं इंशाल्लाह कॉल आ जाएगी। अब इंटरव्यू है, कोई रिजल्ट तो है नहीं एग्जाम्स का कि बोर्ड पे लगेगा और पता चलेगा। इंटरव्यू तो हो गया पर आप अपने आप को नहीं झुकना सकते। क्यों? 2 दिन बाद भी वो चीज स्ट्राइक करेगी, यार कॉल नहीं आई, शायद मुझसे कोई गलती लग गई, मुझसे कोई जवाब गलत हो गया,